यार लाइन में, लाइन में चल, लाइन में चल, लाइन में भी आ जाना लाइन में, तू क्यों बाहर खड़ा है? अरे मैं वीरू भाई का आदमी हूँ। वीरू भाई का? अरे माफ़, देर, लाइन में चल, चल लाइन में, लाइन में चल, लाइन में, लाइन में, लाइन में, क्या डिमांड है भाई? सलीम भाई एक लाइन पे शेर सुनो क्या? अभी आता हूँ। कछुए उधर से अंदर आके सुनाता हूँ मैं। अबे वो कैलकुलेटर के बटन 1000 रुपए गिनने को इतना टाइम जावे तो 10 लाख गिनने को अगले जन्म मिलेगा, तो चल निकल चल। रेस के 10 लाख तो वीरू भाई जीतने वाले है ना? अभी तो ये कौन सा अगला जन्म लेने वाला है? बाय 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 बाय, आपको कुछ लोग मिलने हैं। हाँ भाई। वो बोल रहे हैं हमको रेस में पार्टी का सेट करना चाहते हैं। हाँ भाई। अरे पार्टी का सेट नहीं रे, वो लोग है ना रेस में भाग लेना चाहते, उसको पार्टिसिपेंटल बोलते हैं एक्चुअली। आता नहीं इंग्लिश तेरे को? वही वही वही। अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम तो खत्म हो गया, उनको कल बोला चल चल। भाई भाई लेकिन वो लोग इधर के नहीं है, बाहर से आए, तो उनको बाहर रख। मगर भाई लगातार साइकिल दौड़ में हम अपने विद्यालय में प्रथम आए और देखना रिक्शा दौड़ में भाग लेकर प्रथम आएंगे। ओए बाबे ओ, ओए सानू भी रेस में हिस्सा लेने का बहुत शौक है जी, ब्रेक दबा के। हमको भी रेस में भाग लेना है। इनो भी एज कह रहे हमें भी रेस में भागा पो नहीं। अरे तुम लोग महाराष्ट्र के नहीं हो फिर? लेकिन भाई क्या लेकिन? बराबर है भाई, बराबर है, बराबर है। हमें छोड़ा गंगा किनारे वाला इलाहाबादी उत्तर प्रदेश। ओ जी बाबे ओ, हम तो पंजाब से हैं जी, ठेठ बठिंडा से। वाह हमारे 25-26 ऑटो चलते हैं जी ब्रेक दबा के। और तुम नेपाली हो? नाना साहब जी हम कलकत्ते से। अरे तू शक्ल से नेपाल का है, भाषा से बंगाल का है, तेरा करिया कौन एक्चुअली? साहब जी हमारा मम्मी कलकत्ते से, तो हमारा बाप उसका घर में चौकीदारी करता था, फिर दोनों को प्यार हो गया, मतलब ठुकरी और रसगुल्ला एक हो गया, हम पैदा हो गया। हाँ इसके लिए हमारा नाम बंकिम चंद थापा। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। हूँ गुजराती। भरूच में दो ही चीज फेमस छे, एक तो सिंह ने दूसरी दिलीप सिंह पटेल। मारो नाम छे। भरूच में कोई को भी पूछो ऑटो यूनियन का प्रेसिडेंट कौन छे तो आपका नाम लेगा नथी, बनारसी भाई छेड़ा का नाम बताएगा। हूँ तो ऑटो यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ हैदराबाद से। अरे ऐसा नहीं चलेगा, आप लोग इसमें एक्चुअली बराबर है। ना मत कहना बाबियो, देखो आपके दरबार में हम वड्डी सी आस्त छोटी सी गुजारिश लेकर आए हैं जी, अपनी इस वड्डी सी रेस में हमें छोटी सी एंट्री दे दो ब्रेक दबा के। मिनट साहब जी, हम ऑटो चलाने में बहुत बहादुर है। अरे तुम ऐसे भी बहादुर हो? ना साहब जी, हम जब अकेला ऑटो चलाता है ना तब भी फर्स्ट आता है। ऑटो चला करके हम कलकत्ता और नेपाल का नाम रोशन करेगा साहब जी। मगर एक्चुअली ओ जी बाबे ओ, एक्चुअली नु छड्डो ते नोटा नु फड्डो ते मेरी 25 ऑटो दी एंट्री रजिस्टर करो जी ब्रेक दबा के। भाई ये कभी रेस नहीं जीत सकता, तू कितने स्पीड ब्रेकर है। कौन बोला पूरा है? कौन बोला भाग नहीं ले सकता है? आप लोग बिल्कुल पार्टी से बैटल कर सकते हो। अरे आप लोग देश की एकता हो, अखंडता को जिंदा रखते हो, इसको अंदर रखते हो। चल एक्चुअली अंदर देखा, मैं पहले बोलता था पप्पू कान डांस साला। बाबा
पूछूं? बाबा, रमा भाई आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हैं? हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। क्या मदद करोगे तुम लोग? रेस के लिए। रेस में क्या मदद करोगे मेरी? हम जानते हैं राजू कि तुम्हारी ये रानी रेस नहीं जीत पाएगी। हाँ। क्या मतलब? देखो, तुम्हारी ये रानी बहुत ओल्ड मॉडल है, ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाएगी। हम सब यहाँ आए हैं ताकि हम और तुम एक साथ मिलकर इस रेस को जीतने की कोशिश करेंगे। हाँ। बोल चुके, अभी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं। देखो, मैं नहीं चाहता मेरे चक्कर में तुम्हारी पढ़ाई और पैसे का नुकसान हो। और आज तक मैंने तुम्हारे माँ बाप से होली या दीपावली की बख्शीश तक नहीं मांगी, तो तुमसे क्या मदद लूंगा मैं? मगर राजू। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे। और तुम लोग अगर वाकई मेरी मदद करना चाहते हो तो दूर रहो मुझसे और मेरी रानी से। और मुझसे भी, मुझे बीरू को मेरी पहचान बतानी है। क्या यार, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। तेरी बाबा को मनाना। अब क्या करें? क्या है राजू, तो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ऐसे ही कॉन्फिडेंट लोना मांगते हैं आदमी को। क्या बात है भाई, अभी तो नक्की चाप को रेस में कोई नहीं हरा सकता। बस खाली ऑटो का टायर नहीं पंचर होना चाहिए। क्यों होगा टायर पंचर? कील से भाई। क्यों होगा कील? रास्ते पर कील क्यों होगा बोल? क्योंकि भाई कील पे रास्ता नहीं हो सकता ना भाई। एक्चुअली नहीं, इंटेलेक्चुअली। अरे भाई जीनियस है यार। अपने को सिर्फ इतना सोचने का है, अगर मैं क्या बोलता हूँ, अगर अगर कोई अपने से आगे जाने की कोशिश किया ना तो डैन, कोई टेंशन नहीं भाई। अपन कांच से लाइट मारकर उसकी आँख चौंधा डालेंगे। मगर भाई, ऐसा रिक्शे में किसी को बिठाना तो नियम के बाहर है। कौन बोला? यही बोला जिसे आपने चाटा मारा। अरे बाबा, कौन बोला नियम के बारे में? भाई इसने बोला भाई। अरे मेरा मतलब है, किस गधे ने नियम बनाया? आपने। तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, ये रेस तो मुझे जीतना ही है। ये रेस जीतने के बाद देखना, मैं तुझे सचमुच की रानी बना दूंगा, खाली नाम की रानी नहीं। जीनियस ब्रो, लेकिन ये सब 8 दिन में कैसे होगा? जस्ट वॉच। हमारी रानी भी इतनी तेज दौड़ेगी? इससे भी तेज। अपने परिवार में राजू, सीमा और बाबू के साथ अगर कोई चौथा आता है तो वो तू है। हम चारों ने साथ साथ दुख दुख बांटे हैं, लाज रखना। ये बोल बचन और चुम्मा चाटी करने से कुछ नहीं होता है, मैदान में मुकाबला करना पड़ता है। और मुकाबला करने के लिए गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है, स्टार्ट करने के लिए सर दबाना पड़ता है, किक मारना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के सर पे धक्का मारना पड़ता है। एक्चुअली
ये राजू इस हार में तेरी हार है। तो दोस्तों क्या आप लोग इस ऐतिहासिक रेस के लिए तैयार हैं? क्या ये बच्चे रानी में रहेंगे? हाँ। अरे ये बड़ों की रेस है, इतनी डेंजरस रेस है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? खतरों से खेलना हमारा शौक है। Yes. And we can show principal sir that we can, we will, we must be a winner. चलो चलो। एक मिनट। 25 किलोमीटर की है ये रेस और इसकी खूबी ये है कि इसके लिए कोई भी सेपरेट या नया ट्रैक नहीं बनाया गया है। तो आइए दोस्तों इस रंगीन माहौल में रिक्शा रेस का मजा लीजिए और अपनी किस्मत आजमाइए। 10 लाख रुपए जीतिए। आपके जोश और जज्बे की एक तिहाई की घड़ी आ गई है। देखना है कि वो कौन सा जाबाज है जो 10 लाख का इनाम अपने साथ ले जाएगा। पप्पू शीशा निकाल दे।